Well, I'm playing Peroze Murgiwaala. He's a topper of his batch. He's a charming guy, a bit of a flirt as well, and competitive है. जब इसका सर्जरी और उस सब का टाइम आता है, then ये अपनी प्रायोरिटी सिर्फ काम को देता है. मेरे कैरेक्टर का नाम डॉक्टर वसीम अंसारी है. वो एक बस्ती से बिलोंग करता है मुंबई की, और पिछले 7-8 सालों से FMS हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बॉय का काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, फीस दे रहा है, अपने बिल्स भर रहा है वहीं से कमा करके, और अब जा करके वो डॉक्टर बना है जहाँ पे उसको सर्जरीज करने के को मिलेगा. मतलब ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, और बस्ती जो जिस स्लम से बिलोंग करता है वहाँ के लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए वो बहुत कुछ करता है. क्या क्या करता है ये सब आपको शो में देखने मिलेगा. तो जो इतने साल का उसका स्ट्रगल है, उसकी वजह से उसका एक अतरंगी तरीका है चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का, जो आपको शो में देखने को मिलेगा, और आई होप कि वो सरप्राइज़ करेगा ऑडियंस को. हाँ, धड़कन ज़िंदगी के अलावा धड़कन ज़िंदगी का ऐसा सुन के मुझे सबसे पहले मैं पर्सनली बताऊं तो आई लाइक द फोनेटिक्स ऑफ द टाइटल धड़कन ज़िंदगी. इट्स वेरी कैची, मतलब लोगों के ज़ुबान पे बैठ जाएगा ऐसा है, और इट हैज़ अ डीप सेंस ऑफ मीनिंग अबाउट लाइफ एंड बियॉन्ड. समझ में आता है कि अच्छा जीवन के बारे में कुछ बात होने वाली है, डॉक्टर्स के बारे में कुछ बात होने वाली है. तो धड़कन ज़िंदगी का सुन के ये साउंड करता है. वसीम अंसारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो धड़कन ज़िंदगी का सुनने के बाद उसको FMS हॉस्पिटल, उसका OT, उसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट, रिसेप्शन, ये सब चीज़ें विजुअलाइज होती है रियल लाइफ में सुन के. वो जो बताया ना, मतलब कि इट हैज़ अ डीप सेंस ऑफ मीनिंग अबाउट लाइफ, मतलब जीवन और उसके बारे में ऐसा फील होता है कि उसके बारे में कुछ बात होने वाली है धड़कन ज़िंदगी की सुन के, जिसमें प्रोबेबली डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, पेशेंट्स की लाइफ के बारे में बातचीत होगी. ये समझ में आता है सुनने के बाद. बहुत वीडियोस देखी, बहुत सारे ग्रेज एनाटमी हमने देखा, एंड बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस किया. अब उसको एक्चुअल प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ प्रॉप्स, जैसे बनाना पे स्विचरिंग किया, कभी किसी को कैनूला लगाना है तो उसके लिए हमने कहीं पिलोज एंड ऑल उस पे सब पे ट्राई किया. तो वैसे सबका हमारी प्रैक्टिस चलती रहती थी साइड बाय साइड. डॉक्टर मतलब सबसे पहले तो स्क्रिप्ट जो थी वो उसके अंदर काफ़ी कुछ क्लियर था, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है नीलाइना मैम और उनकी पूरी टीम ने. तो और उन्होंने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ भी किया हमें हमारे पूरे शो के बारे में, स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में. तो काफ़ी हद तक तभी समझ में आ गया था. बट उसके बाद हाँ, हमने बहुत सारी सीरीज़ देखी, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, डॉक्टर्स के रियल वीडियोस देखे जहाँ पे वो ऑपरेशन करते हैं, मेडिकल टर्म्स को पढ़ा, उसका प्रोसीजर समझने के लिए बहुत सारे वीडियोस देखे. तो वो सब चैलेंज था, बट ठीक है, वो फन है, उसमें नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी. या जितना देखा जाए अपने अभी पिछले टाइम से लेके अब तक, इट्स रियली गुड कि देयर इज सम चेंज, देयर इज नॉट अ लॉट चेंज बट एटलीस्ट थोड़ा चेंज तो आया है. एंड वी शुड कंटिन्यू दिस. जहाँ जहाँ पे नहीं पता कि इनक्वालिटी हो रही है, जहाँ पर उनको आइडिया भी नहीं है, देन वी शुड लेट देम नो कि ये चीज़ गलत हो रही है, एंड वी शुड एक्नॉलेज इट एज वेल. आई थिंक सो दैट नीड्स टू बी डन. और ये शो सिर्फ डॉक्टर के बारे में नहीं है, पेशेंट्स के बारे में भी है. जो पेशेंट्स आ रहे हैं, दे आर सिम्बॉलिकली दे आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द स्टोरी, जो सिम्बॉलिकली स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स की लाइफ के ऊपर नहीं. हाँ, जहाँ तक जेंडर इनइक्वालिटी की बात है, वो सही बोल रहा है, मैं अग्री करता हूँ इसकी बात से. हमारे लाइफ में है, अभी भी है, और हमको पता भी नहीं होता कि ये हम कर रहे हैं. ये हमारे खुद के साथ में हम कई कई जगहों पे रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा ये हमारे से खुद से हो गया ये इनइक्वालिटी, क्योंकि वो हमारी अपब्रिंगिंग में है, हम वैसा ही पाल पोस के बड़े किए गए. तो बट ये काफ़ी हद तक अब ठीक हो रही है चीज़ें, और वो उसको और पेशअप करने की ज़रूरत है. वेल, हाँ, डिफरेंस तो यही है. जैसे डिफरेंस तो ये बता पाऊँगा, जैसे फिरोज टॉपर है, पढ़ाई में अच्छा है, मैं पर्सनली उतना नहीं हूँ, बैक बेंचर था, इन्जॉय मस्ती ज़्यादा करता था पढ़ाई से ज़्यादा, घर वालों को भी यही लगता था. वैसे टाइप्स का कैरेक्टर है. मैं वसीम के लाइफ के कुछ फिलॉसफीज से अग्री करता हूँ, मैं रिलेट करता हूँ उससे. जैसे वो उसका एक डायलॉग है, वो बोलता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है ये तय करने का हक हर इंसान को होना चाहिए. तो उससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ. बट देयर आर समथिंग सम आइडियोलॉजीज़ विच आई कुड नॉट रिलेट टू, जो कि आपको शो में देखने मिलेगा. जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस है उसके जो जिससे मैं रिलेट नहीं करता. देयर आर फ्यू आइडियोलॉजीज, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई कुड नॉट रिलेट टू. बट हाँ, मोस्टली येस आई रिलेट टू वसीम. हाँ, मेडिकल ड्रामा के ऑफकोर्स इससे पहले भी शोज़ आए हैं, बट इस शो में उन शो से अलग ये है कि इसमें मेडिकल ड्रामा प्रॉपर दिखाया गया है, एंड इसमें बेसिकली सिर्फ कोई लव स्टोरी या वो वाला एंगल नहीं पकड़ा है. इसमें प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर्स, प्रॉपर मेडिकल टर्म्स एंड एवरीथिंग विद वेरी नाइस डिटेलिंग दिखाया गया है। सो दैट्स द डिफरेंस। मुझे लगता है कि पहले भी मेडिकल शोज आए हैं बट ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में, ये सिर्फ मैन वुमन रिलेशनशिप के बारे में नहीं, लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से साथ कैसे रिलेटेड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ डॉक्टर्स की कहानी नहीं, जैसा मैं पहले ही बताया, इसमें पेशेंट्स की कहानी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। वो जो नए पेशेंट्स आते हैं वो स्टोरी को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ डॉक्टर्स की और सिर्फ लव रिलेशनशिप की कहानी नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है। और वुमेन एम्पावरमेंट को आप ना बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रीची होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप क्रांति के जैसा लगे, वो वैसा नहीं है। इट्स वेरी रियल, वेरी नेचुरल। तो आपको फील आ जाएगा कि ये बाकी शो से अलग है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता भी है तो वो इतने हल्के से अपने ढंग से कह के चला जाता है कि आपको लगता है ओके हाँ ये हम लोग कर रहे हैं और इस चीज़ को अवेयर होने के लिए ज़रूरत है हम सबको। ऑफ स्क्रीन हम हैंग आउट करते हैं, शूट जब ख़त्म हो जाता है बाहर पार्टी करते हैं, चिल करते हैं, तो हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है। ऑन स्क्रीन तो आपको देखने को मिल जाएगा 6 के बाद, ऑफ स्क्रीन तो हमारा इंस्टाग्राम पे आप चेकआउट कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि 6 दिसंबर से आप सोनी पे देखिए धड़कन ज़िंदगी की, रात 10 बजे सोमवार से शुक्रवार। आपको समझ में आ जाएगा कि शो कैसा है, क्या है। अभी तक जितनी भी बातें की हैं हमने शो के बारे में वो प्रॉमिसिंग है या नहीं वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप खुद लोगों को अवेयर करना चाहेंगे कि ये जो शो है वो मैसेज दे रहा है, सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है।